वंदे मातरम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये वीडियो हमारी क्लास नाइन्थ मैथ के लिए है। क्लास नाइन्थ में हम चैप्टर सेवन कर चुके हैं, आज हम चैप्टर टेन स्टार्ट करेंगे, सर्कल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, सर्कल क्या होता है? सर्कल का एक प्लेन फिगर है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है उसमें आपको सर्कल की कुछ इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। तो द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, जो सेंटर होता है सर्कल का वो सर्कल के इंटीरियर में होता है। एक्सटीरियर में तो इंटीरियर में होता है। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द एक्सटीरियर। देखो जब भी कोई पॉइंट जो सेंटर से उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगी तो वो हमेशा बाहर सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है? इसका डायमीटर। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। एक आर्क को हम क्या बोलेंगे? जब उसका एंड उसका डायमीटर ही होगा सर्कल का, सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? जो आप सर्कल के एक एंड को दूसरे एंड से ज्वाइन कराते हो जिस लाइन सेगमेंट से, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल की कॉर्ड। और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। एक सर्कल क्या है? डिवाइड करता है द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन थ्री पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीरियर, एक्सटीरियर और जो सर्कल के ऊपर लाइन जो बाउंड्री है सर्कल की। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। अभी आपको ट्रू और फॉल्स में इसके आंसर देने हैं। फर्स्ट में क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। इसने बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर फेज, मतलब कि सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, जो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है। ठीक है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट होता है, एक इंटीरियर में होता है, एक एक्सटीरियर में। जो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट होगा सेंटर से, जब उस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कराओगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। नहीं, आप सारी इसकी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इन टू थ्री इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। बिल्कुल भी नहीं हुआ गया, आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया जाएगा। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर। अब जो रेडियस का ट्वाइस होता है वो क्या होता है? डायमीटर। बिल्कुल ट्रू आंसर है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क फॉल्स। सेक्टर जो रीजन होता है टू वो आर्क, और उस किसने ये बोला? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर आर्क और रेडियस के बीच का रीजन होता है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच को सेगमेंट बोलते हैं। सर्कल इज ए प्लेन फिगर, बिल्कुल सही है। अब 10.2 में टू क्वेश्चन आस्क किए गए हैं। इन्होंने क्या बोला? रिकॉल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं जब इफ़ दे हैव द सेम रेडियस। यदि उनकी रेडियस सेम है तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव डैट इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अब इसमें गिवन है रेडियस भी इक्वल है, कोर्स भी इक्वल है, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये एंगल है वो भी इक्वल बन रहे हैं सेंटर पे। तो सबसे पहले देखिए, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल है जिनकी रेडियस सेंटर हमने क्या अलाइट कर लिया? ओ और ओ डैश। और ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। और जो रेडियाई है उनकी वो भी क्या है? इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है हमने एंगल ए ओ बी को? एंगल सी ओ डैश डी के। तो हम दो जो भी हमने पहले एंगल प्रूव करने हैं उसके ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब ए बी किसके इक्वल है? सी डी के गिवन। और ए ओ किसके इक्वल आ जाएगा? ओ डैश सी के। और ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा? ओ डैश डी के। रेडियाई हैं सर्कल की, तो इससे क्या होगा? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ट्रायंगल सी ओ डैश डी के जब भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग सभी एंगल्स और साइड्स के हो जाएंगे इक्वल। तो ट्रायंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रायंगल सी ओ डैश डी के। यही हमने प्रूव करना था, ये सी पी सी टी से ये प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए क्या गिवन है। प्रूव डैट कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अब की बार एंगल इक्वल है, हमें क्या प्रूव करना है कि कोर्ड्स आर इक्वल। अब रेडियाई इक्वल है इसमें, एक सेंटर जो आपकी रेडियाई इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, इसमें आपको कोर्ड को प्रूव करना है। बिल्कुल जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसा ही होगा स्टूडेंट्स, आपको इसको ट्राई करना है। यदि आपके पास ये नहीं, आप इसको नहीं कर सकते तो आपको इसको डिस्कस करना है मुझसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।